राकेश टिकेट ने शंकरसिंह वाघेला करमसद गामे पहुंचा हता, जहां तेमने बस स्टेशन खाते सरदार पटेल नी प्रतिमा ने सूतरनी आटी पहेरावी हती। बाद मा लोको साथे ट्रैक्टर रेली योजी सरदार पटेल ना घरे पहुंचा हता, जेमनी साथे आम आदमी पार्टी ना कार्यकर्ताओ पण मोटी संख्या मा जोड़ाया हता। बाद मा घर मा मुकेली सरदार नी अखंड ज्योत ना दर्शन करी विजिटर बुक मा नोंध करी हती। कांग्रेस ना कार्यकर्ताओ, आणंद अने नड़िया शहर कांग्रेस प्रमुख, आम आदमी पार्टी ना कार्यकर्ताओ पण करमसद पहुंचा हता। जय जवान जय किसान ना नारा साथे रेली पहुंची हती। जो के थोड़ा दिवस पहला भरूच ना जाडेश्वर सर्किट हाउस खाते गुजरात ना पूर्व सीएम शंकरसिंह वाघेला ए खेडूत आगेवानो साथे बैठक करी चर्चा करी हती। केंद्र सरकार द्वारा अमल में मुकवामां आवेला त्रण कृषि कायदा ना विरोध में दिल्ली खाते संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा आंदोलन करवामां आवी रह्युं छे, जेना आगेवान राकेश टिकेट तारीख 4 અને 5 એપ્રિલ ना रोज गुजरात ना प्रवासे छे। त्यारे राकेश टिकेट नी मुलाकात ने सफल बनावा शंकरसिंह वाघेला सक्रिय थया छे। यहाँ के किसानों से बात कर रहे हैं, छात्रों से बात कर रहे हैं, यहाँ के नौजवानों से बात कर रहे हैं, और जो इशू दिल्ली में चल रहे हैं उनकी क्या सोच है उसके बारे में जानकारी इनको दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, तीन कानून जो भारत सरकार लेकर आई है और कई वे अमेंडमेंट करना चाहते हैं। कई चीज़ों में दूध का यहाँ एक बड़ा सेक्टर है जहाँ पर हम बैठे हुए हैं, दूध पर भी एक बाहर से समझौता करना चाहते हैं, और अगर दूध बाहर से आएगा तो यहाँ का किसान पूरा बर्बाद होगा, बीज का किसान बर्बाद होगा, सीड बिल लाना चाहते हैं, तीन कानून पहले ही ले आए। तो ये पूर्ण रूप से यहाँ के किसानों से भी है कि आंदोलन करें, जुड़ें, और जो दिल्ली में आंदोलन चल रहा है उसका समर्थन करें, यहाँ से लोग दिल्ली जाएं। समर्थन मिल रहा है, यहाँ का ठीक समर्थन मिला हुआ है किसानों का, लेकिन पुलिस प्रेशर बना रही है। आज भी हमारी जहाँ जहाँ मीटिंग है तो वहाँ उनके घरों पर लोग, पुलिस जा रही है वहाँ पे, उनको रोकने की कोशिश करी जा रही है, रोक रहे हैं उनको, और ये नहीं कि उनके खिलाफ़ पर्चे दर्ज करेंगे, उनके घर पे बाहर बैठी पुलिस के आप आंदोलन में नहीं जाओगे। मतलब ये किस तरह का प्रदेश है कि आप आंदोलन में जाने से आप रोक रहे हो, तो प्रेशर का काम करती है यहाँ की सरकारें। तो ये है कि यहाँ के लोग से आंदोलन करें, यहाँ के लोग बाहर निकलें, सड़कों पर निकलना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा, और जो तीन काले कानून आ रहे हैं उनका विरोध करना पड़ेगा, MSP पे कानून बने, ये एक बड़ी लड़ाई है। तकरीबन 4 महीने से दिल्ली की पूरी बॉर्डर पर, दिल्ली को घेर कर हमारे दुखी किसान वहाँ आंदोलन कर रहे हैं। 250 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए, सरकार को इसका कोई मतलब नहीं है किसान जिए या मरे। तो हमने राकेश टिकेत जी को विनंती किया कि आप भी गुजरात में आइए। बाहर इम्प्रेशन ऐसी है कि गुजरात गिरवे रख दिया है BJP के पास, ऐसा नहीं है। ये गांधी सरदार का गुजरात है, गांधी सरदार का गुजरात मतलब गांधी सरदार का गुजरात। तो कल आप आए राजस्थान बॉर्डर से, अंबाजी माता जी के दर्शन किए, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। सुबह 6 बजे लोग रिसीव करने वहाँ आबू स्टेशन, और उसके बाद ट्रैक्टर रैली पूरे आबू के देने बाय जो भी, उसके बाद गुजरात में प्रवेश किया तो भी कई लोगों ने, कई किसान यूनियन अपने आप खुद चले गए। इसके बाद दोपहर को पालनपुर में अच्छी मीटिंग हुई, उमिया माता जी के दर्शन किए, और आज सुबह 7 बजे गांधी सरदार का मतलब गांधी जी के पास साबरमती गए, वहाँ गांधी जी की प्रतिमा को माल्यार्पण किया। वैष्णव जन तो तेने रे कहिए, और साबरमती के संत ने कर दिया कमाल, ये भी वहाँ हमने, हमारे कार्यकर्ताओं ने सुनाया। ये जो चीज़ है ना, वो स्टेडियम आया, बीच में सरदार साहब का नाम था, वो भी मैंने टिकेत जी को दिखाया कि ये सरदार पटेल स्टेडियम का नाम भी बदल गया, गांधी आश्रम का नाम भी मोहन मधुकर भागवत हो जाएगा लॉन्ग रन पर। इनको करना कुछ नहीं, रेडीमेड ले लिया, माल ले लिया, नाम बदल दिया, और ये जो धंधा हो रहा है, देश की जनता को समझना चाहिए कैसे लुटेरे लोग हैं। और यहाँ आए हम सरदार साहब के पास, सरदार साहब के पास जो हमको मेमोरेंडम मिला है कि ये वल्लभ विद्यानगर और करमसद को बड़ा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बनेगा, उसमें इंक्लूड किया जाएगा। इनकी इच्छा है कि ये इंक्लूड न हो, हम ज़रूर कहेंगे कि ये सरकार के हाथ में है, अगर आपको ये मंजूर नहीं है और सरकार आपको इंक्लूड कर रही है तो बदलिए सरकार को, नई सरकार लाइए।
और हमारे कंट्रोल वाली सरकार होगी तो मैं 100% सरदार वल्लभ भाई पटेल वल्लभ विद्यानगर में कहता हूँ, जैसे करमसद के लोग चाहेंगे ऐसा होगा, सरकार चाहेगी ऐसा नहीं, यहाँ लोग जो चाहेंगे ऐसा ही वल्लभ विद्यानगर या करमसद का नाम रहेगा, बिना मतलब का इंक्लूड नहीं होगा। और सरदार साहब के नाम से जो हो रहा है तो सबको पता है, आज जाएंगे हम यहाँ बड़ोड़ा जाएंगे करमसद से दीवा स्थान की मुलाकात लेकर, इसके बाद छाणी गुरुद्वारा में लंगर है वहाँ रोटी सोटी खाकर बाद में जाएंगे अंकलेश्वर भरूच जो भी है, तकरीबन 3:30 बज जाएंगे वहाँ जहाँ सरदार साहब का हल्का बारडोली में गांधी जी ने सरदार को किसानों के सत्याग्रह के साथ बोला कि हमारे किसानों के सरदार हैं। ऐसे ही हमारे किसानों के सरदार यहाँ आए हैं जिनका नाम है राकेश टिकैत, वो भी किसानों के सरदार है, पूरे देश में घूम घाम करके किसानों को 3 जो कानून पास किए हैं वो बर्बाद, खेती बर्बाद होगी, किसान बर्बाद होगा, मिडिल क्लास बर्बाद होगा, व्यापारी पूरा खत्म हो जाएगा, ये बात कहने के लिए यहाँ आए हैं। और ये बारडोली में सरदार साहब का सत्याग्रह जो हुआ तो बारडोली में सरदार साहब के आश्रम की स्वराज आश्रम जिनको हम कहते हैं वहाँ मुलाकात लेंगे, इसका बाद बारडोली में किसानों को मिलकर भी शाम को अपने रास्ते से आगे चले जाएंगे।